हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इशरत खान आई के किचन में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह करम है हम लोग भी ठीक है आप लोग की दुआ से। और आज देखिए अभी हम लोग क्या बनाते हैं, चलिए फिर जो बनाना है बनाते हैं। चलिए देखिए, ये देखिए गाइस, ये है बैंगन जो मैंने इसमें छुरी में अटका के रखी हुई हूँ ताकि पकड़ने में आसान होए। और इसके अंदर लहसुन मैंने बिठाई हूँ, हरी मिर्ची लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, हरी मिर्ची नहीं तो बिठाऊंगा और टीका हो जाएगा मस्त में अच्छा होगा। जरा मैंने हरी मिर्ची अगर रखूंगी तो मुझे ढांस आएगी, इसके लिए मैंने नहीं हरी मिर्ची रखी। और इसे मैंने गैस जला दी हूँ। अगर ये आप लोग के पास ऐसी जाली नहीं है तो ये जाली भी चलेगी, आप लोग इस पर भी आप लोग कर सकते हैं। और लेकिन सिलो आँच पे करिए ताकि बैंगन जले ना, अंदर से भी गले पके, ठीक है। अब जब तक ये बैंगन हो रहा है तो हम लोग ये दूसरा मसाला इसका रेडी कर सकते हैं, जैसे कि टमाटर वगैरह काटना है तो काट के रेडी कर सकते हैं। इसे ऐसे ऐसे पलटाते जाइए ताकि ये जले ना। देखिए लहसुन कैसा काला हो रहा है ना, और ये भी ऐसी बैंगन अंदर से पक जाए बस। ये देखिए पूरा हो गया है अभी बैंगन, ये पूरा छूट रहा है छुरी अंदर से। अब मैं इस बीच बंद कर रही हूँ इसे। फिर हमें प्याज प्याज तो कटी रखी है और ये टमाटर काटी हूँ। ये देखिए गाइस, हमें किस तरह से इसको काट रहे हैं। ये है बैंगन, इसका बन रहा है भरता। इसे बीन्स देखो कैसी बीन्स साइड में आ गई है, मतलब इतनी बीन्स नहीं है, है बीन्स है, तिल की तरह बीन्स है। चलो चलता है, बस हो गया। थोड़ा सा इसके लिए बना रहे एक बैंगन का, क्या अभी कोई खाए नहीं खाए तो इसके लिए थोड़ा सा बनाऊंगी। ये देखिए लहसुन, इसको हम कूटेंगे इससे, है ना। एक हाथ से कूटते नहीं होता। ये देखिए मैंने इधर कढ़ाई रखी हूँ और अभी इसमें हम ऑयल डालेंगे। और अभी हम इसमें तेल गरम हो गया है थोड़ा सा, अब इसमें हम थोड़ा जीरा डालेंगे। अब जीरा चट चट होएगा। ये देखिए जीरा हो गया, अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे। मैंने चॉपिंग कर दी थी प्याज को, अब मैं ये प्याज उठा के इसमें डालूंगी ऐसे ही। चॉपिंग करके रख दो ना तो अच्छी रहती है, प्याज काम आती है हर चीज में। और अभी हम ये लहसुन भी इसमें डाल देंगे, जो ये बैंगन में मैंने भरी थी वो लहसुन है। प्याज अभी एकदम थोड़ी नरम हो गई है तो ज्यादा लाल नहीं करने का। और इस पे अभी हम टमाटर ऐड करेंगे इसमें। गैस में अभी हम इसमें मसाला डालेंगे, हम लोग लाल मसाले से बना रहे हैं, हरे मसाले से नहीं। ये है मिर्ची रुखी और हल्दी रुखी, और मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया और भुना हुआ पिसा हुआ जीरा। और अब हम इसे अच्छे से भुनेंगे, मिर्ची थोड़ी सी कम लेंगे तो थोड़ा सा और मैं डाल देती, क्योंकि ये खाएंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग को टीका भी चलेगा। ये
ये देखिए ये टमाटर प्याज सब थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए, और मैं ज़रा सा पानी इसमें ऐड करूँगी, मैं थोड़ा सा और देखो मैं तो जल जाएगा ना मसाला। ये देखिए ये भी हो गया, एक दिस मसाला भुन गया, और अभी हम लोग इसमें ये बैंगन ऐड करेंगे। बैंगन इसमें देखिए इस तरह से मैंने इसको चॉपिंग करी, खाली मतलब मैंने ऐसे ही ऐसे कर। अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए ये बैंगन का भरता रेडी हो गया। अब इसे हम थोड़ा कोथमीर डालेंगे, ये देखिए कोथमीर डाल के थोड़ा सा इसे भून लेंगे, अभी इसे सर्व कर देंगे और हम लोग अभी इसे खाएंगे जवारी की रोटी से। मैं जवारी की रोटी बनाऊंगी अभी, ये तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, इसके लिए हम लोग खाएंगे माँ बच्चे। ये देखिए रेडी हो गया, हम चूल्हा बंद कर देते हैं। हरा मसाले का मैंने नहीं बना। ये रेडी हो गया है बैंगन का भरता, और आप लोग भी इसी तरह बनाइए बैंगन का भरता, बहुत टेस्टी बनता है, और आप लोग भी अपने घर में इस तरह बनाइए और मुझे कमेंट में मुझे कमेंट भेजिए कैसा बना ये भरता। ठीक है गाइस, तो चलिए दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाथ बढ़ा के सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए गाइस अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।